हाल ही में मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद ने बुरहानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में बहुचर्चित बोरबंद तालाब घोटाले को लेकर चर्चा की गई। बता दें, इस मामले में 9 व्यक्तियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें से अब तक 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद की कॉन्फ्रेंस में हुई चर्चा से मिली जानकारी के अनुसार बोरबंद तालाब में 42 लाख का भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें पुलिस ने अब तक 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन पूर्व SDM विशा माधवानी अब तक फरार हैं। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के रविंद्र बसाने ने प्रेस वार्ता में पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का विशेष आदिवासी विकास परिषद का यह मसला है कि नेपानगर के तत्कालीन SDM जो है वो पिंपली बोरबंद तालाब में भ्रष्टाचार के कारण उसके ऊपर जो FIR दर्ज हुई है, उस FIR में अन्य 5 लोगों को तो गिरफ्तार किया गया है, लेकिन SDM मैडम की गिरफ्तारी अभी तक नहीं। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद ने शासन से अपराधियों पर एट्रोसिटी एक्ट और एंटी करप्शन एक्ट में कार्रवाई करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज, बुरहानपुर। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।